हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम एक मेनू डिज़ाइन बनाएंगे सिसाप में, जो रेस्टोन सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है उसके डिज़ाइन बनाएंगे। तो वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्म है, मैं आपको डेमो डिज़ाइन दिखा देता हूँ कि हम कैसे बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसी डिज़ाइन हमें बनानी है। यहाँ पर सोशल मीडिया आइकॉन रखने हैं, यहाँ पर मेनू डिज़ाइन करना है, यहाँ पर भी हम फोटोज डालेंगे और ये हमारा लोगो होगा। तो सबसे पहले तो आपका जो फॉर्म है उसको आप डिज़ाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन है उसको आप कर दीजिए सेंटर स्क्रीन। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आएगी फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, उसको आप कर दीजिए नॉन। और जो कर्सर है उसको आप कर दीजिए हैंड, यानी कि जब भी आप कोई भी कंट्रोल पे माउस ओवर करे तो हैंड का सिंबल आए। तो ये सिंपली हमारे डिज़ाइन का ब्लैंक फॉर्म रेडी है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पैनल लेनी है। तो यहाँ पे पैनल ले ली, उसको हम डॉक कर देते हैं राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद सेकंड पैनल लेंगे हम, उसको हम कर देते हैं अप। जो डॉक स्टाइल है उसको हम कर देंगे टॉप। तो यहाँ पे ये टॉप कर दिया हमने, और इसकी हम साइज कर देते हैं, हाइट है वो कम कर देते हैं 10 कर देते हैं। अब हमें कलर करना है, तो कलर के लिए मैंने ऑलरेडी गूगल में, तो यहाँ पे हम कलर लेंगे ये वाला 232, 224 और 8। तो यहाँ पे हम लग देंगे जो बैकग्राउंड में कलर है वहाँ पे 232, 224 और 8। तो यहाँ पे कलर आ गया है। उसके बाद यहाँ पे कलर लेते हैं, तो उसके लिए भी वापस मैंने एक कलर लिया हुआ है यहाँ पे 41, 39, 40। तो यहाँ पे 41, 39, 40। तो ये दूसरा कलर हो गया हमारा। और जो बैकग्राउंड है वो तो हमें वाइट ही रखना है, तो यहाँ पे हम वाइट ले लेते हैं। उसके बाद हमें एक यहाँ पे एक इमेज लेनी है जो हमारा लोगो होगा वो। तो दोस्तों यहाँ पे हम ले लेते हैं एक पैनल, या हम डायरेक्ट इमेज पिक्चर बॉक्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पे हम डालेंगे एक लोगो जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। उसके लिए आपको सिंपली वेबसाइट ओपन करनी है, यहाँ से आप कोई भी लोगो डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, फ्री फॉर कॉमर्शियल यूज़। तो यहाँ पे आप साइज़ भी दी हुई है, आप जो साइज़ की आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो हम इसमें अपलोड कर देंगे पिक्चर बॉक्स में। तो यहाँ पे लोकल रिसोर्स और ये रेस्टोरेंट वाला, और जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज लेआउट उसको मैं कर देता हूँ स्ट्रेच, क्योंकि ये इमेज थोड़ी बड़ी है। और बैकग्राउंड में जो हमें कलर डालना है वो कलर मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे जो कलर है वो मैं 178, 8 और 55 देख सकते हैं, ये हमारा लोगो हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा यहाँ पे हमें सोशल मीडिया आइकॉन रखने हैं, तो उसके लिए वापस हमें पिक्चर बॉक्स लेना पड़ेगा, या हम बटन भी ले सकते हैं, बटन ले लेते हैं एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे क्लिक होगा। इसके लिए बटन की प्रॉपर्टी कैसे सेट करनी है, सिंपली आपको यहाँ पे जो फ्लैट स्टाइल है उसको आपको करना है फ्लैट। उसके बाद फ्लैट अपीयरेंस, यहाँ पे आपको जो भी कलर सेट करना हो यहाँ पे आप एक बार सेट कर दीजिए, जैसे कि मैं ये सेट कर रहा हूँ। जब भी ये बटन पर माउस होवर होगा तो ये कलर फायर होगा, और यहाँ पर हम कर देते हैं 0। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बटन को निकाल देना है। तो ये हमारा फेसबुक हो गया, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दूसरा हमारा ट्विटर, और थर्ड वन इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये हमारा ट्विटर आ गया,
और यहाँ पे आएगा इंस्टाग्राम। अब ये तीनों बटन को हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पे हम एग्जांपल रेस्टोरेंट का नाम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम एक लेबल ले लेते हैं, यहाँ पे लेबल पे लिख देते हैं हम फॉर एग्जांपल जो लिखा हुआ था वही लिखते हैं सीशाप यूआई डिजाइनिंग, सीशाप यूआई डिजाइनिंग विथआउट थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे वो तीन आइकॉन रखने हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे ये तीनों ही कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट, तो उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा लॉग आउट, सेम एस वापस आपको यहाँ पे आइकॉन रखना है। और दूसरा आइकॉन है सेटिंग, और थर्ड वन है बेल बटन यानी कि जो नोटिफिकेशन आते हैं वो। तो देखिए हमारा सिंपल फॉर्म रेडी है। पहले हम एग्जांपल के लिए इसको रन कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ ऐसा लुक आ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बटन रखने हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसका कलर भी हमें ऐसा ही करना है सेम। तो इसको सेम कलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कलर है उसको आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से और ये सिलेक्ट करके यहाँ पे वो पेस्ट कर दीजिए। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। अब वापस एक पैनल लेते हैं और जो हमने बटन लिया था वो भी यहाँ पे लेंगे। पहले इस पैनल के अंदर एक पैनल कॉपी कर लेते हैं और उसको डॉक प्रॉपर्टी है उसको हम सेट कर देते हैं। इसका कलर भी हम सेट कर देंगे सेम एस जो ये कलर था वो, कॉपी पेस्ट और यहाँ पे पेस्ट। अब क्या करना है आपको, ये थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो इसके अंदर हम ये कॉपी कर लेते हैं बटन और यहाँ पे पेस्ट, और जो प्रॉपर्टी है वो हम पहले हम ये इमेज निकाल देते हैं यहाँ से, और जो प्रॉपर्टी है डॉक उसको हम कर देते हैं फिल यानी कि ये पैनल पे वो प्रॉपर्टी आ गई है, फिल हो गया बटन। अब बटन पे आपको पहले इमेज रखनी होगी, तो यहाँ पे हम इमेज रख देते हैं। इम्पोर्ट, सबसे पहली इमेज थी होम, तो हम यहाँ पे होम लेंगे और ओके, और यहाँ पे भी हम टेक्स्ट लिख देंगे फोर टाइम स्पेस उसके बाद डायरेक्ट होम। अब आपको क्या करना है, एक सिंपल वापस पैनल लेनी है और यहाँ पे पेस्ट करना है लेफ्ट पैनल के अंदर, और डॉक प्रॉपर्टी सेट करनी है डाउन यानी कि बॉटम, और उसको यहाँ तक ले जाना, और उसके अंदर हम ये कट करके यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और जो प्रॉपर्टी सेट की है ये बटन के अंदर, पहले हम पैनल को सेट कर देते हैं नॉन की जगह पे टॉप, उसके अंदर जो बटन दिया हुआ है उसकी प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं यहाँ पे होम को कैपिटल कर देते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी है बटन की टेक्स्ट इमेज रिलेशन, उसको आपको सेट करना होगा इमेज बिफोर टेक्स्ट, ऐसा कर देते हैं हम।
अब आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट है उसकी साइज बड़ी करनी है और कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं 10 बोल्ड, उसके बाद ओके, और साइज हम कर देते हैं कलर कर देते हैं हम वाइट। ये हमारा पहला हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आइकॉन परफेक्ट लगे। ओके, अब इसके अंदर ही आपको ये कॉपी पेस्ट करना है सब 7, और एक आइकॉन को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं हम लास्ट में। तो इसकी प्रॉपर्टी, इसका जो आइकॉन है वो हम चेंज करके यहाँ से क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे आइकॉन और नेम यानी कि जो कैप्शन दिया हुआ है वो चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है, इट इन, तो यहाँ पे आपको लिखना है इट 1 2 3 4 इट डैश इन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्ट जो हमें चाहिए वैसा नहीं आ रहा है बटन, तो उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, यहाँ पर हम टेल साइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बटन को सिलेक्ट करना है, सब बटन को पहले सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे जो दिया हुआ है मिडल सेंटर उसकी जगह पे राइट साइड कर दीजिए, और जो इमेज है जो हमने मिडल सेंटर पे लिया था उसको हम कर देते हैं लेफ्ट साइड। तो देखिए अभी परफेक्ट आ रहा होगा। अब हम आइकॉन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे आइकॉन है इमेज इट के अंदर। तो देखिए हमारा आइकॉन भी सेट हो गया, हमारा लेबल भी कंप्लीट है, ये लोगो भी हमारा कंप्लीट है। अगर आपको यहाँ पे लोगो रखना है यहाँ पे भी रख सकते हो, और यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे भी रख सकते हो। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, तो इसको हम कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी लोगो अच्छा लगेगा। अगर आपको यहाँ पे रखना है सिंपली आपको यहाँ पे एक लेबल रखना होगा, रेस्टोरेंट का नाम जो भी आपको रखना हो, साइज फास्ट फूड। यहाँ पे आप कलर चेंज कर दीजिए व्हाइट। इसको आप बड़ा कर दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए ये भी अच्छा लग रहा है। अभी एक बार वापस हम आपको रन करके दिखा देता हूं। तो देखिए सिंपल डिजाइन रेडी है। अब आपको यहाँ पे कलर चेंज करना है, तो ऑलरेडी ब्लैक कलर है तो आपको यहाँ पे वापस बटन सिलेक्ट करना होगा, बटन सिलेक्ट करके जो हमने फ्लैट स्टाइल कलर रखा था फ्लैट अपीयरेंस में इसके अंदर वो हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे डार्क, अब दिखा देता हूं मैं आपको रन करके, तब देख सकते हैं सिंपल आ गया है। अभी जिसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो ये कलर होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे करना है। पहले तो हम ये पैनल के सब नाम चेंज कर देते हैं, साइड PNL 1, साइड PNL 2, साइड PNL 7। उसके बाद आपको एक मेथड कॉल करवानी है, कोड पे जाएंगे आप, यहाँ पे आपको लिखना है प्राइवेट void क्लियर कलर साइड पैनल। यहाँ पे आपको जितने भी साइड पैनल है उस पर आपको लिखना है साइड PNL 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू बैक कलर इक्वल टू कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे आपको पैनल PNL F फायर करना है। तो अब क्या करना होगा, जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे
इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो बाकी के सब ब्लैंक हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। पहले हम बटन के नाम सेट कर देते हैं, बटन BTN होम BTN कस्टमर, रेडी। अब आप इस पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, तो आपको सबसे पहले वो मेथड हमने जो बनाई थी क्लियर वाली, वो यहाँ पे हम कॉल कर देते हैं। उसके बाद जो BTN होम है उसका कलर कौन सा होना चाहिए, डॉट बैक कलर इक्वल टू कलर डॉट फ्रॉम RGB ब्रैकेट के अंदर हमें वो कलर सेट करना है। तो वो कलर कौन सा होगा, तो यहाँ पे हमने जो कलर दिया था ये वाला, वही हमें यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे आपको वो कलर डालना होगा। और इसके अंदर आप पैनल कौन सी डालेंगे, साइड पैनल 1, क्योंकि वो सिलेक्ट की हुई है। और यहाँ पे भी आपको सेम यही कलर फ्रॉम RGB है, उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, सब प्रोसीजर सेम है, आपको यही प्रोसीजर सब में इस्तेमाल करनी है। देखिए यहाँ पे सब ये है, क्योंकि मैंने ये सब हाइड नहीं किया है अभी इसके लिए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली है, बाकी सब जगह से वो चला गया है। तो इसे आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप ये भी कलर सेट कर सकते हो दोनों। तो यही प्रोसीजर आप में आपको सब में इस्तेमाल करनी है। कॉपी पेस्ट कर लीजिए यहाँ से, अब यहाँ पे रख देते हैं हम यहाँ पे 2, और यहाँ पे BTN कलेक्शन BTN ईट BTN डिलीवरी। तो देखिए रेडी है। अभी आपको क्या करना है, जो चीज़ आपने यहाँ पे की थी वही चीज़, लेकिन आपको यहाँ पे सिंपली करना है विजिबल इक्वल टू फॉल्स, सब निकाल दीजिए यहाँ से और यहाँ पे कॉपी पेस्ट। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और यहाँ पे आपको करना है विजिबल इक्वल टू ट्रू। तो रेडी है आपका कोड। अब वापस मैं आपको रन कर, पहले यहाँ से हम सबको हाइड कर देते हैं सिलेक्ट करके, और यहाँ से हम जो विजिबल प्रॉपर्टी है उसको फॉल्स कर देते हैं। तो ये सब हाइड हो गया है, अब रन करते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं सिंपल है, अभी मैं जिस पे भी क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए दोनों का कलर हम चेंज भी कर सकते हैं सिंपली, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो चेंज होना चाहिए पहले वाला, तो उसके लिए भी आपको एक मेथड बनानी पड़ेगी। तो यही मेथड आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली BTN, सबसे पहले BTN होम डॉट बैक कलर इक्वल टू कलर डॉट ट्रांसपेरेंट, कॉपी पेस्ट कर लेना है। BTN it customers, यहाँ पे BTN customers लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक वापस एक पैनल लेनी है जिसका नाम रखेंगे हम BTN find, और यहाँ पे हम कलर देंगे फ्रॉम RGB, उसके अंदर ब्रैकेट में हमें जो ये कलर है दूसरा वाला वो यहाँ पे सेट करना, जो ये कलर है वो। तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं
अब यहाँ पे एक पैनल ले लेते हैं जिसका नाम रखेंगे हम बटन। यहाँ पे बटन ले लेते हैं, इसका नाम रखेंगे BTN फाइन। ओके, अब आपने जहाँ पे भी कॉल किया है देख सकते हैं आप यहाँ पे सब जगह पे, यहाँ पे आपके सिम के लिए लिखना है BTN कस्टमर्स, यहाँ पे BTN देख सकते हैं जो भी बटन होगा, BTN पेमेंट, उसके बाद यहाँ पे BTN टेक अवे कोमा करके BTN टेक अवे यहाँ पे लिख देते हैं हम BTN डिलीवरी BTN कलेक्शन। BTN इट और यहाँ पे लिख देते हैं हम BTN होम। तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम रेडी है, हमारी डिज़ाइन रेडी हो गई है, आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे येलो आ गया, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा प्रोग्राम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही प्रोग्राम के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही रोज़ नए नए वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।